नमस्कार किसान भाइयों, मैं सुनील दत्त बिल्लोरे, सस्य वैज्ञानिक, भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर से आपके लिए चर्चारत हूँ। किसान भाइयों, तूफान की वजह से बारिश हो रही है, परंतु यह सोयाबीन बोने के लिए उचित समय नहीं है। तो मेरी सलाह यह है कि सोयाबीन की बोनी आप 15 जून के बाद ही करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, और उसमें कीड़े और व्याधि कम लगेंगे और फसल की बर्बाद भी कम होगी। अन्यथा यदि अभी जल्दी से बुवाई कर देंगे तो फसल की बर्बाद बहुत ज़्यादा हो जाती है और उसमें फूल फल कम लगते हैं। तो मेरी अनुशंसा यही रहेगी कि आप 15 जून के बाद ही सोयाबीन की बोनी करें और तो ज़्यादा अच्छा और उत्तम रहेगा। दूसरी बात, आपने जिन किसान भाइयों ने सोयाबीन लगाना नहीं प्रारंभ किया है, तो मैं उनके लिए अनुशंसा करता हूँ कि आपने गर्मी में गहरी जुताई खेत की कर ली होगी, उसके पश्चात अब बारिश हो गई है तो उसके पश्चात बखर चलाएं, उसी के बाद बोनी करें। इस बखर चलाने से खेत में खरपतवार कम होंगे, जो ऊपरी सतह पर खरपतवार उगने या जमने लगे होंगे वो मर जाएंगे, उसके बाद खेत में खरपतवार की संख्या कम हो जाएगी और फसल अच्छी होगी। तो सबसे पहली बात है। दूसरी बात, इस वर्ष बीज की बड़ी समस्या है, क्योंकि उत्तम बीज की उपलब्धता नहीं हो पा रही है। इसलिए जो आपके पास में उपलब्ध बीज है उसका अंकुरण परीक्षण करके ही बुआई करें, और यदि बीज की अंकुरण क्षमता 70% है तो वह बीज बहुत अच्छा है, और यदि कम अंकुरण प्रतिशत होता है तो आप उस प्रोपोर्शन में, उस अनुपात में बीज की दर मात्रा बढ़ा लें और उसकी बोनी करें। दूसरी बात है कि इस वर्ष बीज की गुणवत्ता में काफ़ी कमी है, अतः मेरी सलाह रहेगी कि बगैर बीज उपचार के कोई भी बीज की बुआई न करें। इसलिए यह अनिवार्य है और यह वो अंकुरण के लिए बहुत ही अच्छा प्रयोग रहेगा। तो बीज की फंजीसाइड, फफूंदनाशक और कीटनाशक से जरूर उपचार करें, उसके बाद में राइजोबियम कल्चर और पीएसबी कल्चर से उपचारित कर ही बीज को की बोनी करें। दूसरा, जो आप देख रहे हैं जलवायु परिवर्तन, उसमें कभी अधिक वर्षा हो जाती है, कभी कम बारिश होती है, तो दोनों ही स्थितियों में फसल के ऊपर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो मेरी अनुशंसा है कि इस बार सोयाबीन की फसल को आप ब्रॉड बेड फरो या रिच फरो पद्धति से लगाएंगे तो यह दोनों ही स्थितियों में लाभदायक है। इसमें जब अधिक बारिश होती है तो नाली के द्वारा पानी बाहर निकास हो जाता है और फसल बची रहती है। यदि कम पानी होता है तो इन नालियों में पानी इकट्ठा होता है और पौधे को मिलता रहता है, लंबे समय तक संचित होता रहता है, तो इससे भी फायदा होता है। तो ये दोनों पद्धतियाँ इस जलवायु परिवर्तन में आपको अधिक फायदेमंद रहेगी। तो मेरी सलाह है कि आप ब्रॉडबेड फरो या रिच फरो पर ही सोयाबीन की बोनी करें, जिससे कि जलवायु परिवर्तन के विपरीत प्रभाव को कम किया जा सकता है। धन्यवाद। नमस्कार।